अयो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग हो चुकी है, घर का झाड़ू पोछा सब हो गया है। और मॉर्निंग के साथ साथ ये देखो, मैंने ऑर्डर किया था कुछ अपनी विंडो पे लगाने के लिए, मुझे अच्छा लगा था, तो ये आ गया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये क्या है, ठीक है। और इसका प्राइस है 215 रुपये, तो देखते हैं 215 लायक है या नहीं है। तो भाई आज तो मेरे कोरियर आने का दिन है, सुबह से कोरियर ही आ रहे हैं बस, तो अभी दिखाती हूँ क्या मंगाया है। तो इधर मैंने फोन का कवर मंगाया है मम्मी के लिए, ये देखो, देखते हैं कैसा है। इसका प्राइस है 250 रुपीज। ये मैंने मम्मा के लिए मंगाया ताकि मम्मा जब भी फोन को देखे तो उन्हें मेरी याद आए तो मैंने ऐसा कवर मंगाया, अच्छा लग रहा है। नाइस, अच्छा है। हाय गाइस, वेलकम टू रोजी व्लॉग। तो अभी अभी हम लोगों ने शूट खत्म किया कांति भाई का, और अभी इधर खाना, क्योंकि इनसे शूट करवाने का मतलब है कि इनकी पेट पूजा भी करनी पड़ती है। भूख लग गई ना बहुत, इफ्तारी है, अभी इफ्तारी करनी है। हाँ वही तो, इफ्तारी का भी सामान है, खाना नहीं खाएगा उसके बाद, खाली इफ्तारी। ये देखो, ये देखो, उसने अपने पैर देखो, उसने अपने पैर में चोट मारी है। कैसे लगी है चोट? मारा है इसको किसी ने, लड़की ने धू 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 कर, ये छेड़ रहा था, लड़की छेड़ना सिखा रहे थे ना हम इसको, इसने सच में छेड़ दी जाके। और यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कट के तैयार है मेरे पेट में जाने के लिए। कब से बेचारे फ्रूट उतावले हो रहे हैं कि कब आ रहा हूँ पेट में जाऊँ। और ये गूंजने शायद पत्ता गोभी, ये से क्या है, मिर्ची ना, ये बड़ी वाली मिर्ची, मिर्ची और ये सब काट के रखा है। तो क्या बन रहा है आज? सूखी सब्जी में पत्ता गोभी और आलू न्यूट्रेला, रोटी, चावल, चटनी। और ये तो ये आधी पकौड़ी काली आधी गोरी क्यों है? क्योंकि आधी पहले डाली थी तो वो हो गई है, आधी बाद में डाली थी इसलिए वो हो। अच्छा, आधी पलटती गई है आधी नहीं पलटी है। ओके, और इधर कावा बन रहा है। यस, सही है। और गूंज की आज मैं सोच रहा हूँ इंटेलिजेंस की एक बार परीक्षा कर दी जाए। उस दिन तो ये बता नहीं पाई थी मेरी पहेली का जवाब क्या गूंज, वो भी गूंज के किसी सब्सक्राइबर ने बताया था, मुकेश नाम था ना, तो उन्होंने बताया था। और गूंज बेचारी बता नहीं पड़ी यार, कैसे देख लो यार, क्या गूंज, नाम नाक कटा के रखी हुई है तूने। अरे तो तुरंत पूछता, तुरंत एकदम दिमाग में नहीं आता ना, बाद में आता है दिमाग में। चल अब बता एक, ये बता, सोने की चीज है पर बेचे नहीं सुनार, ठीक है, मोल में ज्यादा नहीं है पर बहुत है उसका भार। सोने की चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल में ज्यादा नहीं है पर बहुत है उसका भार। बेड, पलंग, चारपाई। हाँ, तो वही ना, बेड। देखा ही मैंने बता दिया, आज गूंज ने बता दिया। यस गाइस, तो उस दिन भी जल्दीबाजी में पूछा और ऐसा पूछा कि मैं बता नहीं। हाँ, क्या है, हमारे यहाँ कावे में चीनी नहीं डलती है। हाँ, चीनी और सफेद नमक का यूज मेरे घर में, मतलब सफेद नमक तो होता ही नहीं, चीनी बहुत कम यूज होती है, गुड़ डलता है चाय में। तो यहाँ की बात कर रही है, मुझे लगा उत्तराखंड के घर का बता रही है। तो होता ही है, पर यहां भी। अच्छा, गुड़ डाला है, गुड़ डाला है, सही है, हेल्दी चीज में सब हेल्दी रहे तो अच्छा है। और यार हमेशा ये मेरे को दे देती है जॉब इसका, ये देखने का कि मैंने तो बोला ही नहीं देखने को, गरम गरम बहुत है लेकिन यार खाया नहीं जा रहा। चोरने की कोशिश की जा रही थी पर ये चोरने में नाकाम हो गया। चोरने में नाकाम में कभी नहीं होता। यहाँ पर गूंज ने ककड़ियों के बीज डाले थे तो इसमें अभी निकल गए छोटे छोटे छोटे। अब पता नहीं ककड़ी की बेल होती है वैसे तो, ये कैसे होगी क्या होगी मुझे अंदाज नहीं आ रहा है, देखते हैं। ब्रेड खाना है? खा लूंगा यार, खाने के लिए कौन मना करता है। नहीं
नहीं मैं इधर से लगा के लेके आऊँ। इतनी पकौड़े तुम नीचे से लेके आओ ना। हाँ। कम से कम नहीं नहीं करते करते भी 60-70 रुपए की देगा। इतनी यहाँ नीचे दुकान पे और ऊपर से तेल भी पता नहीं कैसा होता है। हाँ ये तो रहता है। फयाज दिखा रहा है, कह रहा है कि इसमें ज्यादा अच्छा होता है। क्या चिपक जाएगा ना, उसमें घी लगाया ना कुछ लगाया। हमारे यहाँ सबके अलग अलग शौक है। इसके तो कुछ ज्यादा ही। अब देखो अलग अलग फरमाइश है सबकी। अभी क्यों खा रही है? गूंज झूठा कर रही है, बातों बातों में चुपचाप सुमड़ी में खा रही है। हो गया यार बनकर। हुआ तो है साइड से गूंज। हाँ, इसको नहीं, इसको समझ नहीं आएगा। हाँ अभी रुक जाओ उसको निकालने दो। हुआ तो है टेस्टी। रखो इसमें, हुआ तो है, देखते हैं अभी खा के देखेंगे। आ गया, वाह वाह वाह, पकौड़े और तरबूज आ चुका है। इधर कावा भी आ गया है और ये आया है सैंडविच जो जाएगा मेरे पेट विच। भाभी बोल रही है गूंज बुआ आया। फयाज की लैंग्वेज। बेबी ओ बेबी ऊपर तो देख लो यार, नहीं खा रही मैं तेरी मैगी। बेबी ऊपर तो देख, अच्छी हो रही है, मिर्ची हो रही है, नहीं दमू कैसी है? भाभी की शॉपिंग। आज हम लगाएंगे जींसों की दुकान, बताओ किस वजह ये है? अब बताओ भाभी कौन सी चीज? दमू की। ये दमू की है? ये लंबी है। अयो नीचे से आ जाएगी यार। ये देख गुनगुआ को, ये भी लंबी हो रही है। नीचे से कट कराने पड़ेंगे। अच्छा, साइज छोटी ले रही तो कमर नहीं मिल रही। हाँ कमर का इशू है इसका। ये वाली तीनों उसकी तीन लाइन। अच्छा, ये सब जम्मू की शॉपिंग हुई आज? टी शर्ट वगैरह कभी डी मार्ट से बहुत सारे ले आए थे। हाँ। तो जरूरत नहीं है, पैंटे नहीं थी, पैंटे भी है पर ठीक है। ये जैनम की अच्छी रानो रहेगी। रानो की तो ऐसे भी चलती फिरती रहती है। तो गाइज अभी आपने देखा, बहुत देर तक भाभी के यहाँ बैठी थी, गप्पे शप्पे मार रही थी और आज फिलहाल दिन में हमने किया कांति बाई का शूट। तो जब शूट वगैरह रहता है तो मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ, तो घर के व्लॉग बनते हैं, तो आज भी मैं घर पर ही थी। तो फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज व्लॉग्स, देखना ना भूलें गुंज वेव। थैंक यू सो मच, टाटा।